क्या इंडियन एयरफोर्स की जेगुआर एयरक्राफ्ट में किसी फॉरेन इंजन के बदले एचएल की HTFE-40 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है? इंडियन आर्मी की तरफ से अभी रशिया से स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने का असली कारण क्या है? क्या इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जल्दी ही MMRC टेंडर को फाइनल करने की कोशिश किया जाने वाला है? और अंत में पाइथन 5 मिसाइल को दुनिया का सबसे खतरनाक क्लोज रेंज मिसाइल क्यों कहा जा रहा है, जो कि आगे चल के तेजस की स्टैंडर्ड मिसाइल होने वाली है? ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट जगुआर को लेके। पिछले 2-3 दिनों से जगुआर एयरक्राफ्ट काफी चर्चा में चल रहा है, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स की लगभग 6 स्क्वाड्रन जगुआर एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने के लिए हमें एक सूटेबल इंजन नहीं मिल रहा है और जो इंजन हमको मिल रहे हैं वो काफी ओवर प्राइस्ड मिल रहे हैं। इसी वजह से अभी इसकी कोई इंडिजिनस सोल्यूशन निकालने की कोशिश किया जा रहा है। कुछ समय पहले हमने एक वीडियो को पब्लिश किया था जिसमें हमने आप ही के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया था, और ये सवाल हमको कई बार पूछा जा चुका है कि क्या हम जगुआर एयरक्राफ्ट में कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जिसे आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं, और मैं इसका लिंक आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा। साथ ही वीडियो के अंत में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अब उसी वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने ये सवाल किया था कि क्या जगुआर्स में हम HAL की STFE-25 इंजन की एक अपग्रेडेड वर्जन यानी कि STFE-40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सेम STFE-25 इंजन ही होने वाला है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आफ्टरबर्निंग सिस्टम को ऐड किया जाएगा, जो कि कुल मिलाकर 25 किलोन्यूटन के आसपास की ड्राय थ्रस्ट और लगभग 40 किलोन्यूटन के आसपास की आफ्टरबर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकेगा। और 40 किलोन्यूटन के आसपास की जो थ्रस्ट होगा वो जगुआर्स को पावर करने के लिए सफिशियंट होने वाला है। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जगुआर्स में अगर हमें कोई नया इंजन को इंटीग्रेट करना होगा तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, और सिर्फ थ्रस्ट अगर सेम होता है तब भी काम नहीं बनेगा। लेकिन HAL की तरफ से अब इस पर विचार किया जा रहा था, और अभी HAL की तरफ से इसके एक आफ्टरबर्निंग वेरिएंट को भी बनाया जा रहा है, लेकिन इसके लिए HAL को बाहर से फंड नहीं मिल रहा है और इसको इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा है। इससे पहले STFE-25 को कई बार टेस्ट किया गया है और सभी बार इसके जो टेस्ट हुआ वो काफी सफल रहा है। तो अभी HAL काफी कॉन्फिडेंट है कि 2024 तक वो इसकी आफ्टरबर्निंग वेरिएंट को तैयार करने वाले, जिसको आगे चल के जगुआर्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और दिक्कत ये है कि हम जगुआर्स को 2032 तक रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं, और अगर HAL 2024 से 2025 के बीच इन इंजन को तैयार करेगा तो अगर इसको जगुआर्स में इंटीग्रेट करना 2025 से भी शुरू किया जाता है तो हमको कम से कम 80 जगुआर्स को अपग्रेड करने में 4 साल के आसपास टाइम लगने वाला है, यानी कि इनकी अपग्रेडेशन कंप्लीट होते होते 2030 के आसपास का वक्त होने वाला है। और इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद अगर हम इनको 2032 में रिटायर करेंगे तो फिर हमारा ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर नए इंजन को लगाने के बाद हम किसी एयरक्राफ्ट को 8 से 10 साल इस्तेमाल नहीं करते तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट स्प्रूट लाइट टैंक को लेकर। स्पुटनिक की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी बहुत ही जल्द एक टीम रशिया के विजिट पर जाने वाली है, जहां पर वो रशियन स्प्रूट टैंक के ट्रायल के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे और इसकी परफॉर्मेंस को वहां पर चेक करेंगे। अब इसका इंडियन आर्मी की 350 लाइट टैंक की टेंडर के साथ फिलहाल कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अभी जो ट्रायल होने वाला है वो इमरजेंसी बेसिस पर खरीदे जाने वाले 24 स्प्रूट टैंक को लेकर किया जा रहा है। इसी दौरान स्प्रूट टैंक की तरफ से कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर किया जाएगा, APFSDS राउंड्स को फायर किया जाएगा, साथ ही हिट राउंड्स को भी फायर किया जाएगा, जिनको मैक्सिमम इंडियन आर्मी की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी को स्पेशली इंडियन आर्मी को डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए फायर किया जाने वाला है। अब स्प्रूट टैंक को खरीदने का एक मेजर कारण इसके वजन के साथ साथ इससे फायर होने वाले वेपन्स को बताया जा रहा है। स्प्रूट टैंक की वजन बस 18 टन है, जिस वजह से इसे आसानी से लद्दाख में कहीं पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और इसको आसानी से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है, और इसको आगे चल के इंडियन आर्मी अकेले नहीं बल्कि T-90 या फिर T-72 टैंक के साथ मिलाकर ऑपरेट करने वाला है। इसको ऑपरेट करने की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है वो मेनली एक टैंक डिस्ट्रॉयर के तौर पर ही होने वाला है, और इसमें हमें एडिशनल एमुनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये T-90 या T-72 के द्वारा इस्तेमाल होने वाली सभी एमुनेशन को फायर कर सकेगा।
जिससे हमें एक्स्ट्रा वेराइटी के एमुनिशन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर मैन्युफैक्चर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भले ही अभी लिमिटेड नंबर में स्प्रूट टैंक को यहाँ पे खरीदा जा रहा है, पर आगे चल के इंडियन आर्मी की 350 लाइट टैंक की टेंडर में भी स्प्रूट टैंक की सिलेक्ट होने की चांसेस बढ़ जाएगी। हालांकि अभी इसमें DRDO, एल्विड सिस्टम और हनवार डिफेंस की तरफ से भी अपने अपने टैंक को ऑफर करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर 24 स्प्रूट टैंक को खरीदते हैं तो आगे चल के जो टेंडर फ्लोट किए गए हैं उसमें भी स्प्रूट टैंक के खरीदने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अभी ये भी बताया गया कि जो 350 लाइट टैंक आगे चल के इंडियन आर्मी खरीदने वाली थी उन सभी को एक ही बार में नहीं बल्कि फेज वाइज मैनर में खरीदने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 11356 क्लास के फ्रिगेट्स को लेकर, जिसको हम एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट कहते हैं। तो ऐसे टोटल 4 फ्रिगेट्स को बनाने के लिए रशिया के साथ 2018 में एक डील को साइन किया गया था, जिसमें से पहले 2 वेसल को अभी रशिया की जंतर सिपेड में बनाया जा रहा है, जबकि बाकी 2 वेसल को गोवा सिपेड लिमिटेड में बनाने का प्लान किया गया था। अभी गोवा सिपेड लिमिटेड की तरफ से बताया गया कि उन्होंने अभी इसी क्लास की दूसरी वेसल की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया है। इनको अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही भारत में बनाया जा रहा है और इनको 2026 तक इंडियन नेवी को डिलीवर करने कायम रखा गया है। लेकिन जिन 2 वेसल को रशिया में बनाया जा रहा है उनको काफी पहले इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब रशिया में बनने वाले वेसल और गोवा सिपेड लिमिटेड में बनने वाले सेम वेसल में काफी अंतर होने वाला है, क्योंकि गोवा सिपेड लिमिटेड में बनने वाले 2 वेसल की डिजाइन में भी कुछ चेंजेस होने वाली है। साथ ही इनमें मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ तक कि इन शिप्स को बनाने के लिए जिन हल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से इंडियन स्टील से बनाया गया है और जितना हो सके इसमें इंडियन सिस्टम का ही इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की MiG-21 एयरक्राफ्ट को लेकर, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ही कई बार MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं और इसी वजह से हमने कई ट्रेन पायलट खो दिए हैं। इस वजह से कुछ दिन पहले हुई क्रैश के बाद इसको कम्प्लीटली इंडियन एयरफोर्स से रिटायर करने का डिमांड किया जा रहा था, लेकिन बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आगे भी इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ का कहना था कि एक्सीडेंट तो होते रहते हैं लेकिन MiG-21 फिर भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, और इसके बाद उन्होंने खुद इसमें एक सॉडी कंप्लीट किया था। लेकिन अभी उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि हम एकदम से इनको रिटायर नहीं कर सकते और इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई प्रॉपर प्लानिंग किया जा रहा है और इनको मॉडर्न फाइटर जेट से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी उनके मुताबिक MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, जो कि गलत बात है। और उनका कहना यह कि जितने भी MiG-21 अभी इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल कंडीशन में वो सभी फ्लाइंग वर्दी कंडीशन में, लेकिन अभी बार बार क्रैश होने की वजह से बहुत ही जल्द इनको रिप्लेस करने का प्लान किया जा चुका है। साथ ही अभी 2022 से पहले ही सभी रफेल को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने की बात की गई है, जिसके बाद में भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MMRCA टेंडर को लेकर कुछ मेजर डिसीजन लिए जाएंगे। क्योंकि अभी अगर MiG-21 स्क्वाड्रन को पूरी तरीके से रिटायर करने का प्लान किया जा रहा है तो उनकी जगह में भरपाई करने के लिए हमको नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। वैसे ओरिजिनली MiG-21 एयरक्राफ्ट को तेजस MQ-1A से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी अगर इनको वक्त से पहले रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है तो जल्दी से ही MMRCA टेंडर को भी फाइनल करने की कोशिश किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइटर जेट की गैप बन जाएगी वो काफी बड़ी बन जाएगी, जिसको मेकअप करने में हमें कम से कम 10 साल और लग जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे MMRCA टेंडर को भी फाइनल करने की कोशिश किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। PTI के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी और 3 यूरोपियन नेशन के बीच अभी गल्फ ऑफ एडन में एक नेवल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम यूनाफोर रखा गया और इसको 2 दिन तक कंडक्ट करने की बात की गई है। वैसे ये कोई पैसेज एक्सरसाइज नहीं बल्कि हार्डकोर नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें एयर डिफेंस एक्सरसाइज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्रॉस डेक विजिट, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और टेक्टिकल नेवल मैनूवर्स के किया जा रहा है, और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू जैसे मिशन के साथ साथ मैरिटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड ऑपरेशन भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। इसमें भारत के अलावा और भी 3 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुल मिलाकर इसमें 5 नेवल वेसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकांड को डिप्लॉय किया गया, जबकि इटली की तरफ से अपनी टाइटस कैरबनीर, स्पेन की तरफ से ESPS नवेरा और फ्रांस की तरफ से FS टोनेर और FS सुरफोव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इसमें इंडियन नेवी की INS त्रिकांड को छोड़ के बाकी जितने भी यूरोपियन वेसल इसमें शामिल हैं वो सभी के सभी यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स का हिस्सा है, जो कि अभी सोमालिया के आसपास एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किए गए हैं और अभी एक फ्रेंडली गेस्चर के तौर पर इस नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है। अगला अपडेट पाइथन 5 मिसाइल को लेके, आप सभी जानते हैं कि इस मिसाइल को आगे चल के तेजस में इस्तेमाल किया जाने वाला है।
और इसे शायद अब तक का सबसे एडवांस क्लोज रेंज की एटवर मिसाइल भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप बिना वीजा के इधर आए तो आपके लिए चाइनीज मिसाइल सबसे बेहतर होने वाले हैं। अब पाइथन 5 की बात करें तो इसे इस वजह से सबसे बेहतरीन क्लोज रेंज का मिसाइल कहा जाता है क्योंकि इसका ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट रेंज बाकी किसी भी मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा है। नॉर्मली अभी के जितने भी क्लोज रेंज की एटर मिसाइल होते हैं वो 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के एंगल में मुड़ सकते हैं, यानी कि इनका जो ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट एंगल होता है वो 90 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन पाइथन 5 को अगर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ कपल किया जाता है तो ये 180 डिग्री के आसपास एंगेज हो सकता है और ये पूरे 360 डिग्री का चक्कर लगाने के बाद भी अपने टारगेट का पीछा कर सकता है। अभी इसराइल की तरफ से इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और अभी इसराइल की रफाल एडवांस सिस्टम की तरफ से बताया गया कि अभी इन मिसाइल में वो कुछ डेटलिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, यानी कि अब से पाइथन 5 मिसाइल को डेटलिंग सिस्टम की मदद से लॉन्च करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। इसमें रफाल एडवांस सिस्टम की ग्लोबल लिंक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसकी मदद से एक एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट के साथ रियल टाइम डाटा को एक्सचेंज कर सकता है। और इसमें सिर्फ सिचुएशनल अवेयरनेस को ही बेहतर नहीं किया जा सकता है बल्कि इससे पाइथन 5 को भी अपलिंक दिया जा सकता है, जिस वजह से भले ही पैरेंट एयरक्राफ्ट की रडार में दुश्मन का एयरक्राफ्ट नहीं आया होगा लेकिन तब भी ये उसके ऊपर मिसाइल को फायर कर सकता है। और अगर आपको अच्छी तरीके से ये देखना है कि डेडलिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है तो हम DCS सीरीज में इसके एक प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।